अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम मौजूद हैं साइक्लोन फिटनेस क्लब में। Yeah, 10 out of 10, let's wait. I've been going big on the page, out of state. New research, check out the back of my place. I rep so heavy, attack when I take. Still, I'm on that for the long run. That name that you got, say the right one. Don't try me, I rap like a python. अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं सर? खैरियत से? मेरा नाम रजा है, मैं प्लेसेस विद रजा से आया हूँ। ठीक है, माशाल्लाह सर, शहीद मिल्लत पर इतना ज़बरदस्त और क्यूट और लाइटनिंग वाला आइकॉन और इतनी बड़ी स्पेस में, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बंदा विजिट किए बगैर चला जाए। तो हम सर आए हैं, माशाल्लाह आपसे पूछेंगे कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इतने पॉपुलेटेड एरिया में और इतने रश वाली जगह पर, माशाल्लाह, और पुराना एरिया कहलाता है ये, उसमें इतनी बड़ी स्पेस निकाल देना। अभी हम फिर आपके साथ विजिट भी करेंगे, तो इसके बारे में सर आप बताएं और हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दें कि क्या माइंड सेट था और इस यहाँ पर जिम लेकर आना। बस हमें एक जिम खोलना था फिटनेस से। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो फिटनेस बेच रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है फिटनेस के अलावा कुछ और बेच रहे हैं, लेकिन फिटनेस नहीं बेच रहे। तो हम फिटनेस सेल करना चाहते हैं, लोगों को बोलते हैं सर आइए हमारे पास फिटनेस है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आप जिम विजिट करेंगे, बहुत सी चीज़ें आपको और नई चीज़ें मिलेंगी, जिससे मशीनरीज में बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं, बहुत सी चीज़ चेंज है, क्योंकि हम फिटनेस से ही हमारा ताल्लुक है। हम ऐसे नहीं है कि कोई और बिजनेस था, हमने फिर जिम का बिजनेस किया, हमारा ताल्लुक है फिटनेस से। अच्छा, आपका अपना पर्सनल भी सर कोई बैकग्राउंड फिटनेस से रहा है? ताल्लुक है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, हमने ये सर्टिफिकेशन करी, कुछ सारी चीज़ें फिटनेस में, हमने जॉब तकरीबन मैं काफ़ी साल तक जॉब ही करता रहा जो एज अ ट्रेनर। उसके बाद फिर सारी चीज़ें पढ़ी फिटनेस के अंदर पढ़ा, फिर UFC की परमिशंस ली जो हमें चाहिए था रैक। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने UFC लगाया हुआ, मेरे ख्याल से है ही नहीं, ठीक है। तो फिर सारी चीज़ें हमने करी है, फिर मैंने सोचा कि यार अब जो है जिम जो है लॉन्च कर देना चाहिए, और जगह सही थी तो हमने। जबरदस्त जी, हमारे साथ माशाल्लाह मारूफ साहब मौजूद हैं, जिनका कहना है कि माशाल्लाह उनकी स्टडीज और उनका प्रीवियस बैकग्राउंड, ठीक है, फिटनेस से ही रिलेटेड है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए माशाल्लाह मारूफ साहब ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छे इलाके में लिया है, कराची में इस तरह के जिम जो कि अभी कबलस वक्त है, मैंने अंदर नहीं देखा क्या है, ठीक है, लेकिन लग रहा है कि अंदर जाके कोई बहुत ही अमेजिंग चीज सामने आने वाली है। तो सर हम स्टार्ट लें, इंशाल्लाह अंदर चले। अच्छा जी, इनकी इस जिम की बहुत सारी दूसरी खसूसियात के साथ एक चीज बहुत ज्यादा नुमाया और एड ऑन हो रही है कि यहाँ पर हमारे पास फीमेल स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं, ठीक है, जो कि अपनी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिना नजीर। हिना नजीर साहबा, हिना नजीर साहबा, आप माशाल्लाह बताइएगा कि कब से आप ट्रेनिंग करवा रही हैं और इस फील्ड से आप कितने अरसे से मुंसलिक हैं? सर मुझे 5 साल हो गए हैं मैं इस फील्ड में हूँ, एंड बेसिकली आई एम पर्सनल ट्रेनर, आई हैव डन माय लेवल 3 फ्रॉम ICRF दुबई। ओह ग्रेट, माशाल्लाह। तो थोड़ा बताएं हमें जो स्पेसिफिक हमारी जो लेडीज़ की टाइमिंग्स होती हैं, जो ख़वातीन जो सिर्फ सेपरेट लेडीज़ टाइमिंग को फॉलो करती हैं, तो इस तरह का कोई इंतज़ाम हमारे पास इस जिम में मौजूद है? जी हाँ, 11 to 6 लेडीज़ की टाइमिंग है, जिसमें लेडीज़ ही इंस्ट्रक्टर्स होती हैं, उन्हें वही ट्रेन करवाती हैं और सिर्फ लेडीज़ का टाइम है। ज़बरदस्त जी, इनका कहना ये है कि सुबह 11 बजे से 6 बजे तक साइक्लोन फिटनेस क्लब में हिना नज़ीर साहिबा पर्सनल ट्रेनर हैं लेडीज़ की, जो कि सिर्फ लेडीज़ की टाइमिंग को फॉलो करती है, ठीक है। तो ज़रा हिना इस बारे में बताइएगा कि जो हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं आजकल स्पेसिफिक फीमेल से रिलेटेड, के जी बहुत ज़्यादा आजकल वज़न बढ़ रहा है ख़वातीन का, खैर हज़रात का भी साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन आप उनको किस तरह लेके चलती हैं? कोई इसका पैटर्न है, कोई डेज हैं, जैसे फिटनेस चैलेंज वगैरह आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो आप लोग ज़रा बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलते हैं या कोई और इसके अलावा डिफरेंट भी? सर देखिए, आजकल साइंस ने इतनी स्टडीज बना ली हैं और साइंस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो होता है वो भी डिपेंड करता है कि किस बॉडी को सूट करता है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी पर्सनली डिपेंड करता है कि किस बॉडी को सूट करती है, ठीक है। तो क्लाइंट को देख के उसकी असेसमेंट करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, उसके बाद उसका वर्कआउट प्रोग्रामिंग बनती है, फिर हम लोग उन्हें स्टार्ट करवाते हैं। जबरदस्त। तो आपके पास वैसे नॉर्मली क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो आप लेडीज को फॉलो करवाती हैं? सर कार्डियो इक्विपमेंट भी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है, फंक्शनल ट्रेनिंग भी है, क्रॉसफिट भी है, और इसके अलावा हम लोग योगा वगैरह जो है स्ट्रेचेस वो वर्कआउट में इंक्लूड कर देते हैं जो उनका सेशन होता है। ग्रेट जी, माशाल्लाह। हमारे पास जी उन खवातीन के लिए जो सेपरेट करना चाहें वो भी,
और हमारे पास को का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है, को है ही नहीं भाई। जबरदस्त बात है कि यहाँ पर को ही नहीं है, ठीक है। तो लेडीज टाइमिंग सेपरेट है और जो हमारे मेल्स और जेंट्स की टाइमिंग है वो बिल्कुल सेपरेट है। जबरदस्त जी, हमारे पास इस जिम में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। एक इंस्ट्रक्टर से अभी हम इंटरव्यू ले चुके हैं, ये भी एक दूसरी इंस्ट्रक्टर है। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम है तहरीम सरवर। तहरीम सरवर साहिबा, ठीक है। तो तहरीम साहिबा जरा थोड़ा बताइएगा अपना बैकग्राउंड, आपका क्या है फिटनेस से रिलेटेड? जी मेरा 6 years का एक्सपीरियंस है एंड आई एम अ क्रॉसफिट स्पेशलिस्ट एंड फैट लॉस स्पेशलिस्ट। ओके, जबरदस्त। तहरीम साहिबा का कहना ये है कि भाई ये क्रॉसफिट स्पेशलिस्ट हैं और ये इंटेंस वर्कआउट, जो मैं समझाऊं वो ये है कि आप बहुत तेजी से मोटे इंसान को पतला कर सकती हैं। जबरदस्त जी, बेहतरीन। तो क्या पैटर्न फॉलो? शॉर्ट टर्म में मतलब लाइक जैसे एरोबिक योगा तब आता है, इस तरह का हाई इंटेंस वर्कआउट जब हम प्लान करते हैं उन लोगों के लिए जो कर सकते हैं, जो जिनकी फिजिकल हेल्थ जैसे हिना ने बताया कि स्टेबल हो, हम उनके लिए ये प्रोग्राम रखते हैं। लाइक ऐसे कि जैसे किसी की नीज प्रॉब्लम है या इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप चैलेंजेस में जाए, हम उसको पीटी में लेते हैं ताकि हम उसकी पर्सनल असेसमेंट करके उसको हम अलग से उसको ट्रीट करें, उसकी रिहैब करके उसका, क्योंकि हम हमारे यहाँ रिहैब का सेशन भी होते हैं कि जैसे नीज प्रॉब्लम है लड़कियों को, बेसिक बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी PCOS प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, तो हर किसी के लिए ये चैलेंजेस नहीं होते हैं। तो हम उन लोगों को देखते हैं कि जो जिनको कुछ ऐसी आती हैं कि बस हमें 3 दिन के अंदर, हमें 3 महीने के अंदर हमारी शादी है इस तरह से, तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम फिजिकल हेल्थ को देखे बगैर आप उसको चैलेंजिंग में कर लें। लेकिन हाँ ये है कि आई एम क्रॉसफिट स्पेशलिस्ट एंड शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर ज़्यादा वर्कआउट करवा के फैट बर्न। तहरीम साहब का कहना ये है कि यार वो जो बिल्कुल एक फैंटेसी ड्रीम में जो खवातीन होती हैं कि जो कहती हैं कि जी हम चुटकी बजाएं और हम पतले हो जाएं, तो ऐसा नहीं। तो इसमें डाइट प्लान भी? जी डाइट प्लान, जी बिल्कुल डाइट प्लान, हम उनकी हेल्थ को देख के, उनकी एज, उनका BMR निकाल के फिर उसके लिहाज से हम डाइट प्लान बनाते हैं। कुछ लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी भी होती है इस तरह से, तो वो हम कंसल्ट करके फिर उसके बाद हम उनका डाइट प्लान बनाते हैं। तो जी हम इस नतीजे में पहुंचे कि सिर्फ एक्सरसाइजेस भी जरूरी नहीं है, एक्सरसाइज के साथ साथ ऐसे स्ट्रक्चर की आपको डाइट प्लान भी बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा, इस मुंह के हिस्से को आपको बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा फाइनली हम मेल स्ट्रक्चर के पास आ गए, ठीक है। अब्दुल रहमान साहब, इनकी फिटनेस से अंदाजा हो सकता है कि ये जिसको भी ट्रेनिंग करवाएंगे ना तो माशाल्लाह रहमान भाई आप जैसे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अच्छा रहमान भाई थोड़ा सा बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से और कितने अरसे से माशाल्लाह फिटनेस फील्ड में? मैं इस फील्ड में तो देखिए मुझे हो गए तकरीबन कोई 7-8 साल हो चुके हैं। 7-8 साल हो गए। ग्रेड के बाद फिर ये कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस कुछ मैंने किए हैं इसके अंदर, ठीक है, और फर्दर जिम्स में मैंने काम किया है बड़े, और फिर अब इसके बाद फिर ये एक नया प्रोजेक्ट है हमारा साइक्लोन फिटनेस का, ठीक है, तो फर्दर विजिट करें फिर, ठीक है। तो सर आप थोड़ा मशीनरी के बारे में भी बताएगा? ये बारे में आपको बता दूँ कि ये टेक्नो जिम की मशीनरी है, ठीक है, USA made है ये, ठीक। ये आपकी ट्रेडमिल्स आ गए, ये स्टेयर मास्टर है, ठीक है। ये अच्छा, इसका स्पेसिफिक बताइएगा कि इसका क्या है, ये क्या फंक्शन है और ये क्या काम करती है मशीन? तो ये बेसिकली आपके जो स्टेयर्स है ना, जो आप इसे घर में नहीं चढ़ पाते चीज़ें होती हैं, ये हेप्स में भी काम करती है, ठीक, ठीक है। आप स्टेयर्स के बेसिकली, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो स्टेयर्स आप चढ़ते हैं, जो स्टेयर्स चढ़ते हैं, इसमें ये स्पीड अप भी हो सकती है, स्पीड लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। जबरदस्त, ठीक है, ठीक। वैसे ये मैंने मशीन पहले किसी जिम में नहीं देखी, ये है बहुत कम जिम में, जैसे बड़े जिम्स है ना, ह्यूज लेवल के जो अच्छे जिम है बड़े, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, अदरवाइज पे अदरवाइज नहीं, ठीक है। बाकी ये ट्विस्टर है, इलेक्ट्रिकल ट्विस्टर, ये भी आपको नहीं मिलेगा ज्यादा जिम में ना, बहुत कम है, बहुत रेयर है ये, ये भी टेक्नो का है हमारे पास, बाकी ये तो इलेक्ट्रिकल्स है, ठीक, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल्स। अच्छा मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि आपने क्वांटिटी भी काफी ज्यादा रखी हुई है, भी काफी ज्यादा है हमारे पास, पूरी कार्डियो की सीरीज है। अगर सपोज इंशाल्लाह इंक्रीज होते हैं मेंबर्स, तो ये चैलेंज नहीं आएगा कि किसी को वेटिंग करनी पड़े, जबरदस्त, ठीक। ये हैंड रोइंग है, अच्छा इसमें जो है, इसमें मैं आपको बताऊँ, ये हैंड रोइंग इसमें आपको ज्यादा जिम में नहीं मिलती है, हमारे पास ही यहाँ पे फर्स्ट, और एक आधा कहीं होगी तो होगी पाकिस्तान में। तो इसका फायदा ये है कि ये दो चीजों के लिए काम आती है, स्पेशली जो आपके MMA फाइटर्स होते हैं उनकी स्पीड अप के लिए, और इसके जो स्विमर्स होते हैं, स्विमर्स के लिए, बाकी कार्डियो पोर्शन में भी यूज होती है, यूटिलाइज होती है, बट जो मेन इसका जो फंक्शन है ना वो ज्यादा स्विमर्स और MMA वालों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है इसके लिए। वंडरफुल जी, बेहतरीन। और बाकी स्पिनिंग बाइक्स हैं, ठीक, और ये आ गई आपकी रोइंग, ये एंड्योरेंस भी इसके ऊपर काम करती है। अच्छा ये रोइंग है हमारी, ठीक है, ठीक है, ठीक।
जबरदस्त। बाकी ये टेक्नो की पूरी सीरीज है, चेस्ट प्रेस है, अच्छा ये चेस्ट की एक्सरसाइज प्रेस है, ये पेक्टोरियल फ्लाई है। ठीक है, मैं बैठ सकता हूँ? आप बैठे, यूज करें इसको थोड़ा। इसका फंक्शन प्लीज रहमान साहब बताइएगा। इसको यहाँ से पकड़ना, यहाँ से ग्रिप करेंगे ऐसे, ये फ्रंट पे और नेगेटिव पे आप स्लो जाएंगे, थोड़ा सा स्लो करें। जबरदस्त, वंडरफुल, बहुत ही जदीद और बेहतरीन इक्विपमेंट्स लेकर आए हैं साइक्लोन फिटनेस वाली। ये शोल्डर प्रेस की मशीन है, ये शोल्डर से शोल्डर प्रेस। ठीक ठीक ठीक, ये इसमें दोनों फंक्शन है, फ्रंट भी है एंड लैटरल्स भी हैं, दोनों इसके अंदर ग्रिप्स हैं। इसमें जो फ्रंट शोल्डर के ऊपर है आपका पोस्टीरियर जो है उसके ऊपर भी काम होता है, एंटीरियर के ऊपर भी काम होता है। ओके ठीक, और ये है आपका लोअर रो है, बैक की मशीन है, ये भी जो रोइंग है ये भी बैक की मशीन। अच्छा ये बैक पार्ट, ये बैक पार्ट। ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त। देखिए जी, इक्विपमेंट्स आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी जदीद मशीनरी। ये कराची वालों के लिए मैं कहता हूँ किसी नेमत से कम नहीं है, इतना एडवांस इक्विपमेंट साइक्लोन फिटनेस क्लब में, जबरदस्त। सही है, मैं आपको बताऊँ ये क्रॉस ओवर है, इसके अंदर भी मल्टी फंक्शन होते हैं, आप बाइसेप लगा लें, ट्राइसेप लगा लें, चेस्ट भी लग सकता है, बैक भी, जबरदस्त ओवरऑल चीजें इसमें, आप बॉडी के ओवरऑल पार्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज सर मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ, देख रहा है आपके फिटनेस से, आपने भी करते हैं। तो ये ट्राइसेप डिप्स की मशीन है, ये एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल की मशीन है, क्रंचेस की, और ये जी क्रंचेस की मशीन है एब्डोमिनल की, ठीक है, और इससे आप अपना जो बेली है उस पे इफेक्टिव एक्सरसाइज क्या, एब्स के जो मसल्स होते हैं उनको आप ट्रेन करते हैं। ओके ठीक, और ये आपकी लेग का पोर्शन है पूरा, ये सिटेड कर लें, ये लेग एक्सटेंशन है, लाइन कर लें, हमारे पास दो वेरिएशन में कर लें, एक ये सिटेड कर लें एंड ये। तो सर इनका फंक्शन क्या है, ये किस बॉडी पार्ट जो लेग आप बता रहे हैं? हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है बैक। अच्छा ये बैक जो थाइस है आपकी उसकी बैक साइड हैमस्ट्रिंग मसल है उसको टारगेट करती है। ठीक 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 ठीक, यानी कि नॉर्मल जो जिम्स में जनरल एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं आप उसको बड़ा डिटेल स्पेसिफिक मशीनरी के साथ लेके चलते हैं, वेरिएशन है, मल्टीपल वेरिएशन है। ओके, किसी एक कोई ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे ये नहीं होती लाइन के, ठीक है, कहीं जिम में ये होती है, कहीं पे होती है, हमारे पास दोनों वेरिएशन है, मल्टीपल वेरिएशन है हमारे पास। ठीक, एक मसल को टारगेट करने के लिए जबरदस्त। बाकी ये लेग प्रेस है, अच्छा लेग प्रेस जो ये हाइड्रोलिक लेग प्रेस है, इसका फायदा ये है कि इसके अंदर जो ना बेयरिंग है, ये जो है ना जब आप इसको यूज करते हैं ना तो ये एडजस्ट होती है आपके जॉइंट के अकॉर्डिंग। ओके, जो दूसरी लेग प्रेस होती है वो स्ट्रेट होती है, उसमें ये होता है आपके इंजरी का जो ना चांसेस होता है इसमें, वो देखी भी है नॉर्मली वीडियोस में देखते हैं कि जी बड़ी बिग इंजरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसमें जो है ना ये आपको एक कम्फर्ट देती है कि आपके जॉइंट के अकॉर्डिंग ये मूव करती है कम्फर्टली, आपको लोड आपका पूरा आपके मसल्स के ऊपर होता है। वाओ जी, यानी कि एक तरह से आप समझें कि ऑटोमेटिक मशीनरी। ठीक ठीक, बाकी ये बैक की, इसके अंदर भी मल्टीपल वेरिएशन है, क्लोज भी है, वाइड भी है, ये मैनुअल मशीन है। तो रहमान भाई ये भी बताइएगा हमारे चैनल के तवसुत से कि मतलब इतनी डिटेल आप माशाल्लाह लेके चल रहे हैं, तो इसके साथ साथ कोई मेडिकल ट्रेनर भी आप लोगों के पास होता है, कोई डॉक्टर्स वगैरह भी आप लोग साथ लेके चल रहे हैं? रिहैब सेशन वगैरह हम करवाते हैं, जैसे अब कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिनके नी इशू है या बैक का इशू है, वो या वेट ज़्यादा होने की वजह से वो मशीन यूज़ नहीं कर सके, तो उनके हम फर्दर ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि हमारी फंक्शनल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, उसमें रिहैब सेशंस भी होते हैं। ठीक, तो फिर उनको हम फर्दर ट्रेन, मतलब अकॉर्डिंग टू द बॉडी आप उस तरह पे उसको मेंबर को लेके चलते हैं, वो फिर हमारे मैं हूँ या मेरे और भी साथ सीनियर ट्रेनर्स हैं वो भी सर्टिफाइड हैं, ऑनलाइन उन्होंने भी किया है, बाहर से कोर्सेज किए हैं अमेरिका से, तो वो भी सर्टिफाइड हैं और एक्सपीरियंस भी। और सर मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉर्मली ये सब आपका नेचुरल ग्रोथ पे ही बिलीव होगा। हाँ, आजकल स्टेरॉइड वगैरह लेके वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि देखें हर कोई किसी को कम्पीट नहीं करना है, तो मैं नहीं समझता कि जो ना सबको जो ना ड्रग आप लेना, जिसका है शौक है जो कम्पीट करते हैं उनके लिए तो जाहिर है वो लेते हैं वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली, लेकिन एक नॉर्मल जो हम पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें तो जरूरत नहीं, उसमें जस्ट हम फिटनेस प्रोवाइडर है,
फिटनेस प्रोवाइड करते हैं। फिटनेस प्रोवाइड, ठीक ठीक, जबरदस्त। अच्छा रहमान भाई, इस एरिया के बारे में बताइएगा, ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव लुक आ रही है और काफी ज्यादा मशीनरी, एक जाल सा बना हुआ है मशीनरी का। ये जो पूरा एरिया है ना, ये कहलाता है यूएफसी एरिया। यूएफसी, यूएफसी स्टैंड फॉर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ये हमने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लॉन्च किया यहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन जो है ना, वहाँ से हमने कॉपी किया था इसको। वहाँ पे होते हैं ये, वहाँ पे यूएफसी एरिया जो होते हैं। ओके, यहाँ पे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, ये तो ये है, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन है। ठीक है, मॉड्यूलर सिस्टम है इसका, फोर स्टेशन है। ठीक है, कैलिस्थेनिक बार्स है, मंकी बार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि इस वाले एरिया को ओवरऑल एरिया आप कवर कर सकते हैं अपनी बॉडी का। इसमें काफी मल्टी फंक्शन, काफी मल्टीपल फंक्शन है। ये पावर एक एरिया, यहाँ पे पावर लिफ्टिंग की जा सकती है। ठीक है आपके, और ये सामने जो फंक्शनल है, फंक्शन ट्रेनर है, इसमें भी फंक्शन ट्रेनर है, उसमें भी फंक्शन ट्रेनर है, मल्टीपल फंक्शन है। अच्छा ये बताइएगा, ये वाला जो हमारा एरिया है, ये आपने थोड़ा सा जरा वो आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह से कवर किया हुआ है। अच्छा, ये इस एरिया में हम एज अ क्रॉसफिट सेशन हम यहाँ पे करवाते हैं। अच्छा, ये जो क्रॉसफिट सेशन होते हैं या आपके हिट ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं। ठीक है, क्रॉसफिट में देखें, ये होता है कि इसमें ना मल्टीपल, ऐसे समझ लें कि आपके एंड्योरेंस पे भी हम वर्क करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ पे भी काम होता है। ये तो इसके ना मल्टीफंक्शन होता है, जैसे आप करते हैं पावर लिफ्टिंग या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उस पर आप एक स्पेसिफिक पार्ट को ट्रेन करते हैं। लेकिन क्रॉसफिट में क्या होता है कि आपकी ओवरऑल चीज़ें आपकी कवर होती है, आपकी मसल एंड्योरेंस भी कवर होता है, आपकी स्ट्रेंथ भी कवर होती है, और साथ में आपकी कार्डियो एंड्योरेंस भी कवर होती है। ओके, यानी कि आम लफ्जों में ये कहते हैं कि कंप्लीट कंप्लीट एक फिटनेस है, फिटनेस का जो एक्सरसाइज का जो एक कॉम्पैक्ट, वो आप वो आपने कहा क्रॉसफिट का। न्यू बिगनर्स का सबसे फेवरेट डिपार्ट डंपल्स, डंपल्स बहुत बड़ी रेंज है डंपल की। फिफ्टी, ठीक है सर। और इसके अलावा क्या फैसिलिटीज हैं सर? सुना है इसके जिम के अलावा भी कुछ आप और भी कुछ सेपरेट चीजें लेकर आए? फैसिलिटीज भी हैं हमारे पास, जबरदस्त जी। ऐसा लग रहा है हम किसी क्लब या मेंबर जो नॉर्मली होते हैं हमारी जो फाइव स्टार होटल्स हैं, उसमें जो हमारे पास फिटनेस क्लब होते हैं उसमें नॉर्मली वो भी इतने कुशादा और साफ सुथरे नहीं होते। प्रेयर एरिया, वजू खाना, शॉवर एरिया है, दो मिनी जकूजी, मैं अंदर जा सकता हूँ? आप जा सकते हैं, देख लें। वाह जी, वंडरफुल, ये हमारा जकूजी है। आई थिंक ये थोड़ा वो मारूफ साहब बता रहे थे कि कोई आइस बात वगैरह का भी है यहाँ कॉन्सेप्ट? आइस बात का अभी आएगा, वो आइस बात अभी तक आया नहीं है। अच्छा, लेकिन नेक्स्ट मंथ हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि वो आइस बात हम ठीक है। बाकी ये सुहाना है, देख सकते हैं। वाओ, जबरदस्त जी, सुहाना बात, क्या ही बात है। तो सर इसका थोड़ा सा बताएं, हम कब लेते हैं बॉडी को, उसकी नीड कब पड़ती है नॉर्मली? लेकिन बेसिकली ये होता है आपका रिलैक्सेशन के लिए होता है बॉडी के, ठीक है, जैसे मसल रिलैक्सेशन के लिए होता है। ठीक है, आप जैसे मसल आप में बनाओगे, मसल स्टिफ हो जाते हैं समटाइम, ऐसा होता है, या आप ठीक है आपका इम्यून सिस्टम भी फुल हो गए, मसल डेफिनेटली हो गए, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए भी चीज़ें यूज होती हैं। वैसे ये रिलैक्सेशन, अच्छा रिलैक्स करेगा, तो इसमें कितना मतलब पीरियड क्या होता है, कब तक बैठना होता है? डिपेंड करता है कि आप कितने देर का सेशन आप दे रहे हो, डिपेंड करता है। इसमें ये भी होता है कि अब जैसे कुछ आपने इश्यूज देखे होंगे, स्किन लूजिंग के इश्यूज आते हैं जो ओबीस लोग होते हैं, जी जी, तो उसमें भी ये हेल्प आउट करता है, आपकी स्किन टाइटनिंग है। ओके, तो उनका सेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये उनको इतना सेशन देते हैं, बाकी जो नॉर्मल जो होता है वो 3 मिनट। वंडरफुल, कोशिश करो एल्बोस ड्राइव करें बस पीछे, ठीक है, चेस्ट अप, इसको पूरा आगे स्ट्रेच करो, सही है, चेस्ट अप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह मैं नोट कर रहा था, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन और मेहनत से आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं। जी जी, अच्छा आप एज ए ट्रेनर?
जी एज अ पर्सनल ट्रेनर हूं मैं यहां पे ग्रेट सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूं ठीक है और संजय स्पोर््ट्स एंड कंडीशनिंग भी करवाता हूं आपका नाम सर मेरा नाम मोहम्मद उमर है मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ हैं माशाल्लाह मैंने देखा है बड़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो इक्विपमेंट जितने खूबसूरत हैं उतनी ही मेहनत ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे भी हो रही है तो उमर भाई अपना बैकग्राउंड थोड़ा बताइएगा आप कहां से और किस तरह ये स्टार्ट किया आपने बेसिकली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था एसीसीए में कर रहा था और मतलब मेरा हमेशा से शौक इसी चीज का था एक था कि यार कभी अपना इंशाल्लाह गेम खेलेंगे ठीक इस चीज से मुझे शौक था मुझे तो मैं आया इस फील्ड में और एज अ ट्रेनर मतलब मैं शुरू से ही हमेशा ना नॉलेज कहीं ना कहीं से मैं लेता रहता था ठीक सर्टिफिकेशन शुरू की मैंने सर्टिफिकेशन करना और एक जिम में लगा फिर मैं समझे मुझे कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सर्टिफाइड कहाँ से हैं सर मैं आप समझे नेशनल अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से सर्टिफाइड हूँ यूएस की होती है वहाँ से मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का भी कोर्स किया हुआ है और मैंने जो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का भी कोर्स किया हुआ है तो जी हमारे पास माशाल्लाह यहाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर के ट्रेनर्स मौजूद हैं नॉर्मली हम जिस भी ट्रेनर से बात कर रहे हैं उसके पास सर्टिफिकेशन भी है यूएस यूके की और वो फिर 6-6, 7-7, 5-5 साल का एक्सपीरियंस भी है तो सर और कुछ बताएंगे मशीनरी के बारे में यहाँ आप समझे एक बेसिकली हमने एक ब्लैंड रखा हुआ है सिर्फ आपको मशीन्स ही मिलेंगी हमने ये 4 जो स्टेशंस बनाए हुए हैं बेसिकली स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग के बनाए हुए हैं कि आप जितनी भी ओलंपिक लिफ्टिंग होती है आप वो कर सकते हैं जितना भी आपका एसेसरी का काम होता है जैसे भाई अभी लगा रहे थे वो कर सकते हैं आप कुछ भी मल्टीफंक्शनल जितनी भी आप एक्सरसाइजेस हैं आप वो कर सकते हैं तो इस तरह हमने एक पूरा वो रख के बनाया कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मशीन्स नहीं है यहाँ पे हमने एक आप समझें एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को मद्देनजर रखे हुए हमने उसको टारगेट किया कि हम अपने क्लाइंट से सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं करानी हमने ठीक सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करवानी हमें उनको और भी चीजों पे काम करना है उनके फ्लेक्सिबिलिटी हो गई प्रॉपर एक प्रॉपर बॉडी एक्टिविटी आप एथलेटिक एक कहते हैं ना एथलेटिक वर्कआउट उसको रखते हुए हमने इस तरह आप देखेंगे बिल्कुल जिम खुला है ठीक मतलब वहाँ पे मशीन्स हैं तो ये पूरा आपको ये एरिया आपको खुला एक ये वाला एरिया खुला खुला इसमें ये है कि आप आपका क्लाइंट आपने देखा वो अभी वहाँ पे बॉक्स जंप्स वगैरह कर रहे थे तो यहाँ आपको हर चीज का ब्लेंड मिल जाएगा जबरदस्त जी बेहतरीन थैंक यू वेलकम जनाब जिम विजिट करने के बाद तबीयत यकीन करें हरी भरी हो गई है ऐसा महसूस हो रहा है मुझे हालांकि मैंने कुछ नहीं किया लेकिन ऐसा लग रहा है मैं खुद कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बन गया हूँ मोटिवेशन पीक पर है सिर्फ जिम में आप स्टेप इन करेंगे तो आपका खुद दिल चाहेगा यार कि इस जिम से आप जुड़ जाएं ठीक है मारू भाई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक आप हमारे चैनल के थ्रू बता दें अभी आपके रिसेंटली क्या पैकेजेस हैं और अगर कोई आप समझते हैं कि कोई बेहतर पैकेजेस आप बताना चाहें जो लोग आपको ज्वाइन करना चाहें उनके लिए अभी बेसिक पैकेज जो है वो स्टार्टेड स्टूडेंट्स के लिए भी हमने पैकेज निकाले हैं ठीक है रिहैबिलिटेशन सिस्टम है जो हमने बहुत कम जिमों में होता है जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ लेकिन इससे भी अच्छा पैकेज जो अभी आएगा वो आएगा अगस्त में यानी कि इन टर्म्स ऑफ 14 अगस्त की खुशी में आप कुछ ना कुछ बेहतर पैकेज देंगे ईयरली पैकेज होंगे 6 महीने के पैकेज होंगे बहुत अच्छा पैकेज होगा और इंशाल्लाह अगस्त ग्रेट जी मैं भरपूर रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली कराची के जिस कोने में भी हैं आप जरूर एटलीस्ट साइक्लोन फिटनेस जिम आप जरूर विजिट करें ज्वाइन करें ठीक है और मारूफ साहब से मिलें यहाँ बहुत अच्छे ट्रेनर्स मौजूद हैं जो कि आपको रेपिडली आपकी बॉडी में जो चैलेंजेस हैं उसको ये इंशाल्लाह ये लोग सॉर्ट आउट करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच